ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर। अब एक पॉइंट को समझें, यहां पर ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास है वर्सेस मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास मास नंबर से, ये पहली बात तो ये क्वेश्चन अराइज होता है, हम बाइंडिंग एनर्जी क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो एक न्यूक्लियस है जिसके पास 200 जूल की बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी, दो न्यूक्लियस हैं, दोनों के पास बाइंडिंग एनर्जी 200-200 जूल की है, यानी कि इनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको बांध के रखने की एनर्जी 200 जूल है। मेरा क्वेश्चन है इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, और रूल ये है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी वो बांध के रखने की एनर्जी ज़्यादा रखता है, और जिसकी कम होगी तो वो लूज रख लेता है न्यूक्लियस को। तो कायदे से बनता तो ये है कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, और जिसकी कम है वो कम स्टेबल है। तो क्या ये दोनों इक्वल स्टेबल है? आया ना, लगता है कि हाँ, लेकिन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। ये बाइंडिंग एनर्जी में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, मैं बताना भूल गया, इसको 10 न्यूक्लियॉन्स को संभाल के रखना है, बांध के रखना है, और इसके न्यूक्लियॉन्स में 100 न्यूक्लियॉन्स हैं जिसको बांध के रखना है। अब देखो वो तो कह रहा है यार ये कमाल की बात है, तुम मुझे 100 न्यूक्लियॉन्स दे रहे हो, प्रोटोन प्रोटोन धक्का मार मार के अनस्टेबल कर देंगे, फोर्स लगा लगा के अनस्टेबल कर देंगे, और यहां पर 10 को संभालना है, तो कौन स्टेबल हुआ? ये स्टेबल हुआ। इसलिए हम अकेली बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर करते ही नहीं है कि कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल। हम क्या करते हैं, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे, इसको भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम आएगी वो ज्यादा, वो कम स्टेबल है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आएगी वो ज्यादा स्टेबल है। तो कभी भी बाइंडिंग एनर्जी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा स्टेबिलिटी का, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के साथ कंपैरिजन होगा। तो रीजन समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? तो ग्राफ प्लॉट किया गया बाइंडिंग एनर्जी का पर न्यूक्लियॉन का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्सेस मास नंबर। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो सारे एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हैं, किसी का मास नंबर छोटा भी है, किसी का बहुत बड़ा भी है। यूरेनियम जैसे तो हैवी है, 238 बहुत हैवी है, हाइड्रोजन जैसे बहुत छोटे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाइड्रोजन जैसे एटम की बहुत छोटी है, ये देखो ये छोटी है, हीलियम की फिर भी बड़ी है, लिथियम की छोटी है, ऐसे पीक साइज। और फिर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू घटती गई, तो ये ग्राफ ओवरऑल डाउन जाता जाएगा। अगर मास नंबर बढ़ता जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो जो तो छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटा मास नंबर है जिनका, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, और जिनका एटॉमिक मास नंबर बहुत बड़ा है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वो भी कम है। तो इसका मतलब ये भी अनस्टेबल है। तो अगर एटॉमिक मास नंबर बड़ा है तो वो भी अनस्टेबल है, और यहां से छोटे वाले एलिमेंट्स भी अनस्टेबल है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दोनों के दोनों अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल का मतलब क्या है? इनके न्यूक्लियस को ब्रेक करना ईजी है। तो ये ग्राफ आपने याद करना है, आपके एनसीईआरटी वाले सीधा ग्राफ प्लॉट करने को ही बोलते हैं वो, कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस एटॉमिक मास नंबर। तो ये प्लीज अपने बुकलेट में जो मैंने प्रिंट दिया है इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करें। और फिर इसकी ऑब्जर्वेशंस, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने एलिमेंट याद कौन करेगा, मत करो, आप सिंपली यूरेनियम लिख लो, ये तो इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला, हाइड्रोजन लिखो, हीलियम लिखो, लिथियम लिखो, नाइट्रोजन, बाकी जो मर्जी लिख दो कोई फर्क ना पड़ता, रास्ते में जो मर्जी आते रहे, हमने मेन जो स्ट्रेस देना है वो हाइड्रोजन पे और यूरेनियम पे देना है, ठीक है? तो मोटा मोटा तो याद कर ही सकती हो, क्या दिक्कत है इसमें। फिर वो कहेगा कि इसकी ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या ऑब्जर्वेशन है इसकी? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन जैसों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन छोटी आई। फिर सेकेंड है, अगर मास नंबर 2 से 20 की बात करें तो देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये देखो ये पीक्स आई हैं, पीक का मतलब सडनली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ गई, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। जितनी हाई पीक होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल पाए गए। और फिर एंड में, फॉर न्यूक्लियाई विद हायर मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? डिक्रीज।
क्लियर है यहाँ तक? तो पहले क्या हो जाएगी, डिक्रीज, फिर शार्प स्टेबिलिटी हो जाएगी और फिर एंड में भी डिक्रीज, ये ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एलिमेंट्स वर्सेस मास नंबर एंड ऑल्सो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। ये पक्का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड। तो ये ग्राफ प्लॉट करके आपको फिजन और फ्यूजन क्यों होते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। फिजन का मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का ब्रेक होना छोटे न्यूक्लियस में, उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। तो फिजन किन एलिमेंट्स का होता है? यूरेनियम जैसा का होता है, जो अनस्टेबल होता है और एक लार्ज न्यूक्लियस है उसको तोड़ के स्टेबल न्यूक्लियस बनाए जाते हैं, इसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, राइट? तो फिजन करना क्यों ईजी है? तो आप आंसर में लिखेंगे, फिजन इसलिए ईजी है ये यूरेनियम या हैवी एलिमेंट्स की, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, तो उन न्यूक्लियस को ब्रेक करना इजी है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई ताकि वो स्टेबल हो सकें। तो जब ये बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो इस प्रोसेस को, और एनर्जी रिलीज होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ये क्यों हुआ? आंसर एक ही है, क्योंकि इन हैवियर एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू क्या थी? कम थी। उसके बाद फ्यूजन, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स का फ्यूजन होता है, दो न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है तो एनर्जी तब भी रिलीज होती है। तो फ्यूजन के अंदर बेसिकली क्या होगा, इसलिए हो पाता है हाइड्रोजन के साथ क्योंकि हाइड्रोजन जैसे स्मॉल एलिमेंट्स की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कम है, तो उनके न्यूक्लियस को भी तोड़ के जोड़ा जा सकता है। तोड़ने का तो क्या ही मिलेगा, उसमें न्यूक्लियॉन में से कुछ है ही नहीं, पर उनको जोड़ा जा सकता है, तो छोटे छोटे न्यूक्लियर को बड़े न्यूक्लियस बनाने के लिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन होने के रीजन सेम है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली कम है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ये आनी चाहिए।